ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत के बल्लेबाजी गार्ड हटाने की कोशिश के कारण निंदा जेल रहे स्टीव स्मिथ का बचाव किया। उन्होंने इस आलोचना को बकवास, अनर्गल और सीमा के बाहर बताया। दरअसल सिडनी में ड्रॉ रहे टेस्ट के आखिरी दिन पहले सत्र में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान स्टीव स्मिथ बल्लेबाज का गार्ड मिटाने की कोशिश करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस और माइकल वॉन समेत कई खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना की। दरअसल लैंगर ने सोनी नेटवर्क द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि स्टीव स्मिथ के बारे में जो बकवास मैं पढ़ रहा हूं, मुझे दरअसल यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार ये हो क्या रहा है? सरासर बकवास। जो भी स्टीव को जानता है उसे पता है कि वो कुछ उठपटांग हरकतें करता रहता है और हम उस पर हंसते हैं। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि मैं इस पर निजी तौर पर सार्वजनिक रूप से बात कर चुका हूं कि वो कितना अलग है। वो क्रीज पर जो भी करता है वो इसलिए कि वो सिर्फ खेल के बारे में ही सोचता है। लैंगर ने भी कहा कि गेंद से छेड़खानी प्रकरण के बाद वापसी के साथ मैदान पर और मैदान से बाहर स्मिथ का आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई कहता है कि एक मिलीसेकंड के लिए भी कि वो कुछ गलत कर रहा था तो ये सीमा के बाहर। वो विकेट सपाट था और कॉन्क्रीट की तरह ठोस थी। इस पर कुछ करने के लिए 15 इंच स्पाइक्स चाहिए और वो क्रीज के पास भी नहीं गए। कोच ने भी कहा कि गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के बाद स्मिथ का काफी अपमान हुआ है, खासकर इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबंध से लौटने के बाद मैदान के भीतर और बाहर उनका आचरण मिसाल रहा है। वो अपने बल्ले से ही जवाब देते। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने इतना अपमान सहा जैसा कि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से करारा जवाब दिया। हालांकि आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ का विवाद वाकई में भारतीय मीडिया काफी अलग तरीके से पेश कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से स्टीव स्मिथ के बारे में बात की जा रही है, उन्होंने पिच पर कहीं पर भी जाकर कुछ ऐसी हरकत नहीं की। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताते। एएनपी न्यूज़ रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।